पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नोऽभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु आर्य भागुरायण, सुगांग प्रसाद की कोई सूचना? क्या क्या सुगांग प्रसाद में कुछ है? सुगांग प्रसाद में कुमार चंद्रगुप्त के कक्ष में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। दुर्घटना में कुछ राज कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। अपराधी का पता चला? अब तक तो नहीं। भागुरायण, अग्निकांड के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति सुगांग प्रसाद में ही है। आप उसे जानते हैं? उसे तुम भी जानते हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? आचार्य विष्णुगुप्त। आचार्य विष्णुगुप्त जो मारे गए हैं वे हमारे साथी थे। अर्थात जो तुम समझ रहे हो वही सत्य है। पर आपने मुझे सुरक्षा की दृष्टि से मैं तुम्हें इस अभियान से दूरी रखना चाहता था। ओ, तुम्हारी ओर से कोई सूचना? आर्य पौरवराज आपसे गुप्त भेंट करना चाहते हैं। आर्य पौरवराज, आज कुमार पर आक्रमण हुआ है, कल हम पर भी आक्रमण हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा यहां रहना संकटों से मुक्त नहीं है पौरवराज। मैं जानता हूं मलयराज, पर मगध की राजश्री पाने के लिए हमें थोड़ा तो साहस करना ही होगा। कहीं आपका साहस करने का तात्पर्य प्राण गंवाने से तो नहीं है पौरवराज? प्राण गवाए आपके शत्रु, आप क्यों कश्मीर नरेश? पर स्थितियां इसी प्रकार रही तो मुझे लगता है कि हम में से कोई जीवित नहीं लौटेगा। आप व्यर्थ में भयभीत हो रहे हैं कुलूत नरेश। पर आप कुमार से चर्चा क्यों नहीं कर लेते? मलयराज, यह अवसर कुमार का साथ देने का है। इस समय कुमार से संपत्ति के बंटवारे के बारे में बात करना हमें शोभा देगा। पहले कुमार को इस आघात से मुक्त हो लेने दो। पौरवराज, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। शांति के अभाव में आप मगध की संपदा पा भी गए तो मगध से प्रस्थान कैसे करेंगे? आपके कहने का तात्पर्य क्या है पौरवराज? जिन्होंने कुमार पर आक्रमण किया है वे हम पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो क्या मगध में शांत प्रस्थापित होने तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे पौरवराज? हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है। और यदि कुमार के शत्रुओं ने हमें लक्ष्य बनाया तो? एक मार्ग है। क्या मार्ग है? जब तक मगध में शांति प्रस्थापित नहीं हो जाती नगर से बाहर हम अपने अपने स्कंधावरों में लौट जाएं। इस प्रकार हम अपने सैनिकों के बीच सुरक्षित भी होंगे
और स्वतंत्र भी, और जैसे ही स्थितियां अनुकूल हो हम कुमार से चर्चा कर लेंगे। तब तक कुमार की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए हमें से एक कुमार के साथ राजप्रासाद में निवास करे। मेरी दृष्टि में इस कार्य के लिए मलयराज उपयुक्त होंगे। क्यों मलयराज? मैं, मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता, पुष्यराक्ष इसके योग्य होगा। क्यों पौरवराज? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पौरवराज, आप तो जानते हैं कि मुझे आखेट का व्यसन है और मैं राजप्रसाद में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाऊंगा। तो आप में से स्वेच्छा से जो इस दायित्व को स्वीकार करना चाहता है वह स्वयं को प्रस्तुत करे। पौरवराज, आप ही तो हमारे प्रतिनिधि हैं। आपसे अधिक योग्य कौन होगा पौरवराज? और यदि किसी को आपत्ति हो तो वह अपना विरोध व्यक्त कर सकता है। यदि बहुमत का यही निर्णय है तो मैं कुमार पर दृष्टि रखने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं, पर आप लोग इंद्रियों को वश में रखिएगा। आप तो इंद्रिय जयी है ना। वृद्धावस्था में ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। आपको क्या आवश्यकता थी ये दायित्व स्वीकारने की पिताजी? पुत्र मलय, यदि राज्य पाना है तो थोड़ा साहस करना ही होगा। पर आप उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं पिताजी? मलय, क्या तुम पाटलिपुत्र में भिक्षा मांगना चाहते हो? यदि मैं मगध की संपदा इनके बीच बांट देता हूं तो तुम्हारे लिए क्या शेष रह जाएगा? एक बार कुमार से मुक्ति पा लेने दो, फिर आवश्यकता पड़ी तो कुमार का उनके विरुद्ध और आवश्यकता पड़ी तो उनका कुमार के विरुद्ध उपयोग करूंगा। इस स्थिति में विजय हमारी ही होगी। पिताजी, आप कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, कूटनीतिज्ञ भी है। जाओ मलय, अब निश्चिंत होकर विश्राम करो, मैं आगे की सोचता हूं। देवी धारणी आपके पुत्री हैं। देवी, जो आप जानते हैं वो आप मुझसे पूछकर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? इसीलिए मैं आश्चर्यचकित था कि आप अपनी पुत्री का अहित कैसे कर सकती हैं, जबकि आप स्वयं देवी धारणी की माता हैं। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? आप देवी धारणी के विवाह का विरोध क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं धारणी को हिंसक पशुओं के परिवार में भेजना नहीं चाहती, वो मेरी पुत्री है। आप जिस नाम से चाहें कुमार चंद्रगुप्त को पुकारें, पशु कहें या पात की, मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलूंगा नहीं, पर मुझे सम्राट धनानंद की आज्ञा का पालन करना ही होगा, क्योंकि सम्राट ने यह दायित्व मुझ पर सौंपा है। आचार्य, कहिए। मैं जानती हूँ कि मृतक बोला नहीं करते। अर्थात? मेरे कहने का तात्पर्य आप भली भांति समझ रहे हैं। नहीं देवी, मैं आपके कहने का आशय नहीं समझ पा रहा हूँ। मृतकों के नाम पर अब आप और क्या क्या करना चाहेंगे आचार्य? अच्छा होता कि आप हमारे साथ भी वही व्यवहार करते जो आपने सम्राट के साथ किया। अभी आपके वानप्रस्थ का समय नहीं आया है, वरना मैं आपका मार्ग नहीं रोकता। झूठ कह रहे हैं आप, आपने सम्राट की हत्या की है। यहां मेरे अतिरिक्त सच और कौन जानता है देवी? आप अनुमान कर सकती हैं, पर आपका अनुमान सच हो या आवश्यक नहीं। यदि सत्य केवल आप ही जानते हैं तो आप ही सम्राट से कन्यादान करने को कह सकते हैं, इसमें मेरी अनुमति की क्या आवश्यकता है? मैं समस्त नंद परिवार को प्रसन्न देखना चाहता हूं, इसलिए आपको देवी धारणी के विवाह में अवरुद्ध न बनने का कष्ट दे रहा हूं। और जीवन के मोह से मुक्त वानप्रस्थ कब कन्यादान करते हैं देवी? वह अधिकार भी सम्राट ने मुझे दिया है, कन्यादान भी मैं करूंगा, आपको मात्र सहमति देनी है। तुम ऐसा नहीं करोगे विष्णुगुप्त। आप मुझे आदेश दे रही हैं? तुम घोर पातकी हो विष्णुगुप्त, तुम घोर पातकी हो। आप मुझे अवश्य पातकी कह लें,
पर मैं आपको सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आज से ठीक 11वें दिवस मैं सम्राट धन्नन की इच्छा अनुसार देवी धारणी का विवाह कुमार चंद्रगुप्त से करवा दूंगा। अब आप मेरा निर्णय स्वीकार करें या अस्वीकार, आपको विवाह उत्सव में उपस्थित होना ही होगा। अब आप जा सकती हैं। तुम घृणा के पात्र हो विष्णुगुप्त, तुम घृणा के पात्र हो, तुम घर पात्र हो। मैं तुमसे घृणा करती हूँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, मैं तुमसे घृणा करती हूँ। अपनी रक्षा का कोई मार्ग ढूंढ पुत्री, या आत्महत्या कर ले, पर इन दुष्टों के समक्ष विवश मत होना। मैं तेरी हत्या कर देती, मैं तेरी माता हूं, मुझसे ये पाप नहीं होगा। अपनी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढ पुत्री, अपनी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढ। आप सब मेरे कक्ष से बाहर जाइए। क्या तुम्हारे लिए मुझे विशेष आज्ञा देनी पड़ेगी? क्षमा करे देवी, पर उन्होंने मुझे इस क्रीड़ा के लिए विवश किया था। मैं एकांत चाहती हूँ दासी। देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करती यदि तुम स्वस्थ होती, पर मैं स्वस्थ हूँ दासी। तुम्हारी वाणी में प्रताड़ना का स्वर मुझे स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तुम स्वस्थ नहीं हो धारिणी। क्यों चाहती हो एकांत देवी? आत्महत्या करना चाहती हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। मुझसे स्नेह करती हो तो मेरी सहायता करो माँ। मैं तुमसे स्नेह करती हूँ धारिणी, पर मैं एक स्त्री हूँ, जीवन में साथ देती हूँ, दुख में साथ देती हूँ, सुख में साथ देती हूँ, कष्ट में साथ दे सकती हूँ, पीड़ा में साथ दे सकती हूँ, पर ये तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैं भी स्त्री हूँ और आज यही मेरी विवशता है। क्षमा करे देवी, मैं यहाँ दासकर्म करने के लिए नियुक्त हुई हूँ, पर यदि तुम्हारा स्त्रीत्व तुम्हारी विवशता का कारण है तो मैं तुम्हारी सहायता करने को प्रस्तुत हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हारी विवशता का कारण जानना चाहूंगी। वो मेरा विवाह मेरे पिता के हत्यारे से करवा रहा है। कौन तुम्हारा विवाह किससे करवा रहा है? वो दुष्ट। कौन वो? वो आचार्य विष्णुगुप्त। आचार्य विष्णुगुप्त किससे करवा रहे हैं वो तुम्हारा विवाह? वो मेरा विवाह कुमार चंद्रगुप्त से करवा रहे हैं। कुमार चंद्रगुप्त का विवाह नंद पुत्री से, सम्राट धन्नन की पुत्री से? यह कैसे संभव है धारिणी? उन्होंने मेरे स्वजनों की हत्या की है, अब वो मेरी हत्या की योजना बना रहे हैं। तो क्या कुमार चंद्रगुप्त सम्राट धन्नन की सेवा नहीं कर रहा है? वो मगध का शत्रु है माँ। तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा धारिणी, चाहे क्यों ना मुझे कुमार की हत्या करनी पड़े। एक गोपाल के पुत्र का विवाह सम्राट की पुत्री से संभव नहीं है धारिणी। धारिणी, मैं नहीं जानती थी कि घोर षड्यंत्र रच रहे हैं आचार्य और चंद्रगुप्त, अन्यथा मैं कभी यहां ना आती। क्या तुम्हें यहां? हाँ, मुझे यहां आचार्य विष्णुगुप्त ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था। अर्थात उनकी योजना तो मैं भी नहीं जानती थी, पर क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ देवी, जिसे तुम कुमार चंद्रगुप्त कहती हो वो मेरा ही पुत्र है। प्रणाम आचार। प्रणाम कुमार।
आचार्य कहो, कल मुझसे पहले आप सुगांग प्रासाद के मेरे कक्ष में गए थे। तुमसे पहले मैं सदैव तुम्हारे कक्ष में जाता हूं कुमार, इसमें नवीन क्या है? पर कल से पहले मेरे कक्ष में कभी आग नहीं लगी। क्या तुम्हें अपने कक्ष में आग लगने की लंबे समय से प्रतीक्षा थी? नहीं आचार्य। तो फिर तुम अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? कल मेरे कक्ष में आग लगने के कारणों को तो आपने जान ही लिया होगा आचार्य। जितना तुम जानते हो उससे अधिक मैं नहीं जानता कुमार। वो आग मेरे शत्रुओं ने ही लगाई होगी। हत्या मित्र भी कर सकते हैं कुमार। शत्रु मेरी हत्या का प्रयास करे तो बात समझ में आती है, मित्र मेरी हत्या का प्रयास करें तो भी बात समझ में आती है, पर आप मेरे आचार्य विष्णुगुप्त मेरे कक्ष को अग्नि को समर्पित करें तो बात समझ में नहीं आती है आचार्य। कुमार, तुम्हें विष्णुगुप्त समझ में नहीं आ रहा है या अग्निकांड? अब तो दोनों ही समझ में नहीं आ रहे हैं। विष्णुगुप्त समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, उसे समझने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। और अग्निकांड पर विचार कर अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारी समस्या समाप्त हो गई कुमार? क्या मेरे कक्ष में आग लगाने का आदेश आपने दिया था आचार्य? नहीं। तो मेरे कक्ष में आग लगाने का आदेश किसने दिया था आचार्य? इसका उत्तर भी वे दे सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे कक्ष में आग लगाई। और जिन्होंने आग लगाई स्वयं वे अग्निकांड में मृत्यु को प्राप्त हुए? उत्तर तुम जानते हो कुमार। क्या वे इतने मूर्ख थे कि कुमार चंद्रगुप्त की हत्या के प्रयास में उन्होंने स्वयं आत्महत्या की? यदि कोई मूर्खता करे तो क्या उसमें मेरा दोष है कुमार? आप इतने निर्दयी क्यों हो गए हैं आचार्य? क्या तुम मेरे संबंध में अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे हो कुमार? मेरी रक्षा करने के लिए आपको उनकी हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारी हत्या के प्रयास में वे स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए, तो क्या इसके लिए मैं दोषी हूं कुमार? ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि आपने उनकी हत्या करवाई है आचार्य? तुम प्रमाणित क्या करना चाहते हो कुमार? यही कि आप उन्हें बंदी बनाकर मेरी हत्या की योजना के पीछे कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, अपितु स्वयं अपने हाथों समस्त सूत्रों को नष्ट कर दिया। कुमार, तुम्हें सूत्रों के समाप्त होने की चिंता है या सूत्रधार को जानने की? आप मेरा उपहास कर रहे हैं आचार्य। कुमार, तुम मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। नहीं चाहिए मुझे आपका राज्य जिसमें मुझे निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं का मूक दर्शक बनना पड़े। नहीं चाहिए मुझे आपका राज्य जिसमें मुझे पल पल पर छल कपट का साथ देना पड़े। नहीं चाहिए मुझे आपका राज्य जिसकी नींव मुझे हत्याओं की श्रृंखला पर रखनी पड़े आचार्य। राज्य नहीं करोगे तो क्या करोगे कुमार? मुझे आप अपनी इच्छाओं के पास से कब मुक्त कर रहे हैं आचार्य? मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाने पर। आचार्य, तुम जा सकते हो कुमार। मैं जा रहा हूँ आचार्य, पर विश्वास रखिए मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं होने दूंगा। शोणोत्तरा को मुझसे मिलने की सूचना भेज दो। माँ, चंद्रगुप्त, क्या ये सच है कि तू नंदसुता से विवाह कर रहा है? मैं नंदसुता से विवाह नहीं करना चाहता माँ, मैं नंदसुता से विवाह नहीं करना चाहता। आचार्य। शोणोत्तरा। हाँ आचार्य। कुमार की माता कुमार से मिलने भी आई होंगी। हाँ आचार्य। देवी धारणी ने कुमार चंद्रगुप्त से विवाह करना पुनः स्वीकार कर दिया होगा। हाँ आचार्य। कुमार देवी धारणी से विवाह नहीं करना चाहते। देवी धारणी कुमार से विवाह नहीं करना चाहती, तो विवाह कैसे होगा शोणोत्तरा? इसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ आचार्य। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास है शोणोत्तरा? मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझी आचार्य। तुम्हें देवी धारणी को विवाह करने के लिए तत्पर करना होगा, बल से या बुद्धि से। तुमने उत्तर नहीं दिया शोणोत्तरा। मैं स्त्री हूं आचार्य, स्त्री ना भी होती तो मैं देवी धारणी को कुमार से विवाह करने के लिए विवश ना करती। ये स्त्री की मर्यादा के विरुद्ध होगा। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मेरे लिए क्या दंड है आचार्य?
तुम जा सकती हो शणोत्तरा। न जाने कितनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने का दंड तुम्हें भुगतना होगा विष्णुगुप्त। शणोत्तरा मेरा एक संदेश देवी धारिणी तक पहुंचा दोगी? आप आज्ञा दीजिए आचार्य। शणोत्तरा, धारिणी से कहना कि मैंने उसे क्षमा याचना की है। मैं कुमार एवं नंद परिवार दोनों के हित में निर्णय लेना चाहता था, पर यदि मेरे इस प्रयास से दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती, व्यक्तिगत सम्मान स्वाभिमान अभिमान आहत होता है, तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूं जिन्हें मेरे इस प्रस्ताव से पीड़ा हुई हो। धारिणी से कहना कि अब वह अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। नंदकुल की स्त्रियों से कहना कि अब वे धारिणी के विवाह को ले चिंतित न हो। कुमार की माता से कहना कि मैं दोनों पर अन्याय करने से बच गया, अब वे भी अपनी इच्छा अनुसार अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। कुमार से कहना कि अब वे मेरी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, वे स्वतंत्र हैं। उनकी माता उनके मातुल स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने अपने दृश्य से अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनसे कहना कि मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो रहा है, धीरे धीरे मैं समझ रहा हूं कि मैं गलत हूं। कोई अधिकार नहीं है मुझे अपनी अभिलाषाओं को उन पर थोपने का। जाओ शणोत्तरा, मेरे इस कथन में कोई छल कोई कुटिलता नहीं है, जाओ। आचार्य, कोई आचार्य अजय बड़ी देर से राजप्रासाद के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो शारंगराव, वह यहां नहीं आएगा। दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराज रक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथितानुपाणम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराज रक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथितानुपाणम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराज रक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथितानुपाणम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य विवर्धनं च अपक्षपातो भिषुराज रक्षा पञ्चैन यज्ञाः कथितानुपाणम् दुष्यस्य दण्डः सुजनस्य पूजा।